वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी स्टेप के साथ। तो देखिए, ये अस्तर है, ये हमारी साड़ी है, ये मतलब हमारा मेन फैब्रिक है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर हमारा 3 मीटर है और साड़ी हमारी 5 मीटर की है। अस्तर में से हम चोली के लिए पहले कपड़ा निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है। देखिए, चोली के लिए हमें कपड़ा निकाल लेना है। देखिए, हमारा खड़े में 2 फोल्ड है कपड़ा। इसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। चोली की लंबाई हमारी 15 इंच रहेगी। ये हमारा टोटल 15.5 आ रहा है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा। आपको मैं अभी खोलकर बता देती हूँ। देखिए, ये कपड़ा 2 फोल्ड है और इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर दिया और चोली के लिए कपड़ा निकाल दिया है। ये चोली के लिए कपड़ा हमने साइड में कर देंगे। पहले जो अम्ब्रेला कुर्ती होती है, जो अम्ब्रेला घेर होता है, नीचे का हिस्सा, उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये पूरा कपड़ा खोल लेना है इस तरीके से। अब देखिए, इस तरीके से इसको 2 फोल्ड करना, दोनों को किनारे किनारे से पकड़ लेना है। देखिए, इस तरीके से ये बदल गया है स्क्वायर शेप में। हमने 2 फोल्ड कर बिछा दिया है। अब जो ये सिरा है, ये हमारा फोल्ड साइड वाला सिरा है और वो सामने इसका ओपन साइड सिरा है। फोल्ड साइड सिरे को इस तरीके से पकड़कर उठाएंगे। देखिए, इस तरीके से पकड़कर उठाएंगे और ऐसे, देखिए, उठाया हमने और ये हमारा ट्रायंगल शेप बन गया है। यहाँ से हमें बराबर रखना है। देखिए, यहाँ से हमने बराबर रखा इस तरीके से और ये हमारा ट्रायंगल शेप बन गया है। यहाँ से हमें बराबर रखना है। यहाँ से भले हमारा छोटा बड़ा हुआ कपड़ा आए तो भी चलेगा। जैसे ये हम इतना शेप हमारा, देखिए, ट्रायंगल में हमारा नीचे से इतना कपड़ा छूट रहा है, 4.5 इंच का कपड़ा छूट रहा है। तो हमने छोड़ दिया है और यहाँ तक का हमने कपड़ा बिछा दिया है। यहाँ से हमने बराबर रखा है। उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। अब मैं आपको किस नाप से कुर्ती बना रहे हैं उसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई टोटल 42 इंच रहेगी, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 36, कमर 32 और हिप्स 38। आगे का गला 5.5 इंच है, पीछे का गला 6 इंच है। अस्तिंग की लंबाई 20 है और अस्तिंग की गोलाई 12 है। तो देखिए, इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें बनानी है। अब जितनी हमने चोली के लिए कपड़ा पहले से कटिंग कर लिया है, तो चोली हमारी टोटल हमने 15 इंच की कटिंग करी थी, लेकिन हमारी टोटल 15 इंच की चोली नहीं रहेगी, 13 इंच की रहेगी। उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 42 में 13 इंच माइनस करें तो कितना आया, 29। 29 आया हमारा। 42 में 13 इंच माइनस करेंगे तो 29 आएगा।
तो हमारी 29 इंच की अम्ब्रेला की लंबाई रहेगी। कमर हमारी 32 इंच है, 32 को 4 में भाग करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 3 इंच प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो हमें 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे हमारा 11 इंच, इधर भी लगाया। अब जो ये लंबाई लेती है और ये लंबाई लेती है, हमको बराबर लेनी है। तो देख लेते हैं, ये 15 इंच आ रही है और ये 14 इंच आ रही है, तो यहाँ पे हमें 15 इंच ले लेना है। अब दोनों को एक सरी से मिला देना है, 15-15 इंच को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से हमें 29 इंच पर निशान लगाना है। 29 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है, 1 या 2 इंच आप प्लस कर सकते हैं। अस्तर में हमें 1 इंच ही प्लस करेंगे, क्योंकि हमें मेन फैब्रिक में हम बढ़तावा ले सकते हैं, मेन फैब्रिक में 2 इंच प्लस कर लेंगे। अब देखिए 29 आ रहा है तो हम 30 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने 30 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ तो 27 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है, यहाँ पे भी 27 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा ये कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम 27 इंच की अम्ब्रेला की गोलाई बना देंगे और मेन फैब्रिक बढ़ता वाले लेंगे। अस्तर इस छोटा भी रहेगा तो चलेगा। तो 27 इंच पे निशान लगाते जाओ और अम्ब्रेला की गोलाई बनाते जाओ। जो नीचे घेर होता है अस्तर में हम अस्तर छोटा ले सकते हैं और मेन फैब्रिक हम बढ़ता हुआ ही लेंगे, ठीक है। मेन फैब्रिक हमें बढ़ता हुआ ही लेना है, ध्यान रखिएगा आपको। अब इस तरीके से गोलाई बना देंगे। देखिए मैंने गोलाई बना दी, इधर से इसको डार्क कर लेंगे और इस तरीके से गोलाई बना देंगे। देखिए अभी हमें कमर पे से कटिंग कर लेनी है। ये हमने कट कर लिया है, नीचे घेर में से कट करेंगे। देखिए अब जो इतना सा ज्वाइंट हमें लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, जो ये बचा हमने कपड़ा कट करा है इसमें से हम ज्वाइंट लगा देंगे। इसको ऐसे रखना, इसमें से मैंने ऐसे कपड़े रखा। अब इसको ये ना मैंने थोड़ा आधा इंच बढ़ता हुआ रखा ताकि सिलाई में चला जाएगा, और इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे बराबर रखते हुए।
देखिए ये हमारे कपड़े की भी कटिंग हो गई है, इसको हमें यहाँ स्टिच करना है। इसे रखते हुए मैं इसको आपको स्टिच करना बता दूंगी किस तरीके से करना है। अस्तर को हमें साइड में रखना है, हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक में भी हमें चोली के लिए पहले से ही कपड़ा निकाल लेना है। देखिए ये टू फोल्ड कर हमने बिछा दिया खड़े में, अब इसको हमें फोर फोल्ड करना है और चोली के लिए निकाल लेना है। जितना हमने अस्तर लिया था उतना ही ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़ता हुआ। देखिए हमने इतना बढ़ता हुआ निकाल ले रही, हाथ सीधा काट देंगे। देखिए ये हमारे चोली के लिए हमने मेन फैब्रिक देख लिया। देखिए आस्तीन के लिए हमने कपड़ा निकाल लेंगे, फिर अम्ब्रेला क्या कटिंग हम आराम से कर देंगे, जो भी कपड़ा बचेगा पूरा अम्ब्रेला के लिए रहेगा। देखिए हमें आस्तीन के लिए कपड़ा निकालना है। आस्तीन के लिए कपड़ा निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेस्ट जितना भी उसको पांच में भाग करेंगे। चेस्ट 36 है तो 36 को पांच में भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में हमें 3 इंच प्लस करना है तो 10 आएगा। यहाँ 11 इंच आ रहा है हमारा। फोर फोल्ड करने के बाद हमें जितनी लेंथ लेनी है हमने उतनी लेंथ ले लेनी है। देखिए लेंथ हमें बढ़ती भी ले लेनी है ताकि बाद में जो भी कपड़ा रहे हमारा बच जाए। हमें चुन्नट वाली जो फुल स्लीव लेनी हो यहाँ पे थोड़ी सी चुन्नट आनी है, जो हमारी हाथ की कलाई होती है। तो टोटल लंबाई हमारी तो 20 है, तो हमें जो चुन्नट भी लेनी तो 25 इंच पे हम कटिंग कर देंगे। 25 इंच पर निशान लगाते हुए हमें कटिंग करनी है। सीधी कटिंग कर देंगे हम। तो देखिए हमने आस्तीन के लिए भी कपड़ा पहले से निकाल दिया है, अब हमें अम्ब्रेला के लिए कपड़ा निकालना है। तो अस्तर जिस तरीके से बिछाया था हमें मेन फैब्रिक भी उसी तरीके से बिछाना है। अब देखिए ये स्क्वायर शेप में हमने बिछा लिया है, अब इसको इस तरीके से टू फोल्ड करते हुए हमें ले जाना है और ट्रायंगल शेप दे देना है। भी हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है, अब हमें अस्तर को बिछाना है। तो देखिए मैंने अस्तर को बिछा लिया है, अब हमें मेन फैब्रिक बढ़ता हुआ रखना है। हमने अस्तर पहले 2 इंच कम रखा है, 29 इंच आया था, 29 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना था, लेकिन हमने 2 इंच प्लस नहीं करा माइनस करा है।
तो हमें अस्तर 4 इंच बढ़ता हुआ लेना है। 29 में 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 33 इंच आएगा, तो हमें 33 इंच लेना है। 33 इंच बढ़ता हुआ लेंगे ऊपर से अस्तर की तरफ से रखते हुए, हमने जहाँ चौक से 33 इंच पर निशान लगाया था उससे हमें गोलाई बना लेनी है पूरे पर। अब इसकी कटिंग कर देंगे नीचे से। ऊपर से भी हमें कटिंग कर देनी है। अब देखिए साड़ी पर भी और मेन फैब्रिक पर भी कमर पे से हम कट लगा देंगे छोटा सा, और जिस तरीके से हमने अस्तर पर इस यहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा काटा था हमें मेन फैब्रिक पे भी काटना है। तो इसको आधा इंच ऊपर ज्यादा रखते हुए, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में आएगा, उसको रखते हुए कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा काट दिया है अम्ब्रेला के लिए। हमारा वेस्टेज कपड़ा है जो सिलाई में काम आएगा। देखिए ये हमारा अस्तर है, मैंने मेन फैब्रिक को 4 इंच प्लस करते हुए कटिंग कर दिया है। ये हमारा जॉइंट किया हुआ कपड़ा है जॉइंट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स में जो अम्ब्रेला कुर्ती होती है जो नीचे का घेर होता है वो हमने इसकी कटिंग कर दी है, जो अम्ब्रेला कुर्ती के नीचे के पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं चोली की कटिंग करना बताऊंगी जो हमने चोली के लिए कपड़ा कट करा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।